राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2023 किए प्रदान। वैशाली, दीक्षा डागर सहित अन्य खिलाड़ियों को मिला पुरस्कार। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ट्यूबवेलों पर दी जाने वाली बिजली सप्लाई के समय में किया परिवर्तन। अब किसानों को दिन के समय में दो शिफ्टों में मिलेगी बिजली। हिसार नगर निगम का 5 वर्ष का कार्यकाल कल शाम हुआ समाप्त। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा करने पर महापौर गौतम सरदाना व सभी पार्षदों को दी बधाई। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा, अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2023 प्रदान किए। क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद शमी, शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली, तीरंदाज ओजस प्रवीण देवताले और अदिति गोपीचंद स्वामी, गोल्फर दीक्षा डागर, कबड्डी खिलाड़ी पवन कुमार और ऋतु नेगी उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनके अलावा हॉकी खिलाड़ी कृष्ण बहादुर पाठक और पी सुशीला चानू, खो खो खिलाड़ी नसरीन, लॉन बॉल्स खिलाड़ी पिंकी, निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह और ऐशा सिंह, स्क्वैश खिलाड़ी हरिंदर पाल सिंह संधू, टेबल टेनिस खिलाड़ी अहिका मुखर्जी, पहलवान सुनील कुमार और अंतिम वुशु खिलाड़ी एन रोशिबिना देवी, दृष्टिहीन क्रिकेटर इल्लूरी अजय कुमार रेड्डी, पैरा तीरंदाज शीतल देवी और पैरा कनोइंग खिलाड़ी प्राची यादव को भी अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं। कुश्ती के प्रशिक्षक ललित कुमार, शतरंज के प्रशिक्षक आर बी रमेश, पैरा एथलेटिक्स प्रशिक्षक महावीर प्रसाद सैनी, हॉकी के प्रशिक्षक शिवेंद्र सिंह और अन्य प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए गए। बैडमिंटन के लिए मंजूषा कंवर, हॉकी में विनीत कुमार शर्मा और कबड्डी में कविता सिल्वराज को खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर साहसिक पुरस्कार 2023 भी प्रदान किए गए। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्ति पुरस्कार समारोह में उपस्थित थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में बढ़ती ठंड के कारण किसानों द्वारा अपने खेतों में पानी देने आ रही परेशानी को दूर करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने ट्यूबवेलों पर दी जाने वाली बिजली सप्लाई के समय में परिवर्तन किया है। अब किसानों को दिन के समय में दो शिफ्टों में बिजली मिलेगी, जिससे किसान रात के बजाय अब दिन के समय अपने खेतों में पानी दे सकेंगे। मनोहर लाल ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली आपूर्ति दी जाए। शीतलहर अब चल रही है और मैं स्वाभाविक है कि हरियाणा के किसान जो दिन में रात में कभी भी बिजली आने पर सिंचाई के लिए खेतों में जाते तो ठंड बहुत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा विभाग ने आज ही एक निर्णय लिया है कि अब कुल 19 सर्कल में से 7 सर्कल में अब ये बिजली प्रातःकाल 5 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक होगी। और ये 7 सर्कल हैं करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, सोनीपत और जींद। इनको छोड़ करके बाकी जो सर्कल हैं उनमें सब में प्रातः 10 बजे से लेकर और सायं 6 बजे तक ये 8 घंटे बिजली राहत रहेगी, ताकि किसानों की कठिनाई को समझते हुए ठंड से बचा जा सके। और ये शेड्यूल जो आज शुरू किया गया है 31 जनवरी तक चालू रहेगा। 31 जनवरी के बाद पुनः इसकी समीक्षा करके यदि आवश्यकता हुई तो इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से प्रदेश भर से किसानों द्वारा सरकार को इस परेशानी से अवगत कराया जा रहा था, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय से किसानों को बहुत लाभ होगा। वहीं प्रदेश के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किए गए इस घोषणा से प्रदेश के किसान खुश हैं कि अब उन्हें दिन के समय में दो शिफ्टों में बिजली मिलेगी, जिससे अब वे रात के बजाय दिन के समय में अपने खेतों में पानी दे सकेंगे। बिजली मंत्री ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश भर से किसानों द्वारा सरकार को इस परेशानी से अवगत कराया जा रहा था, जिसके बाद आज हरियाणा सरकार ने ये निर्णय लिया है। दो जोन बना दिए कि एक सुबह 5 बजे से लेके 1 बजे तक, 5 बजे रात को ट्यूबवेल कनेक्शन ऑन करेंगे, क्यारे बनाते हैं तो सुबह 7 बजे जाना पड़ता है, तो सुबह 5 बजे से लेके 1 बजे तक
ताकि उन्हें ठंड में बचत हो। ये हमने एक महीने तक करा, अगर इनके फिर ठंड पड़ी तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। सुबह 5 बजे से लेकर 1 बजे तक जिस इलाके में ये चलेगा उसमें सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, जींद, करनाल, कैथल और सोनीपत है। दूसरा शेड्यूल कराया हमने 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, उसमें रिवाड़ी, पलवल, नारनौल, गुड़गावा वन, गुड़गावा टू, फरीदाबाद, इसार, पंचकूला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पानीपत, रोहतक और झज्जर है। यहाँ अब रात को कहीं भी कोई ट्यूबवेल नहीं चलेगा। एक महीने तक हमने फैसला कराया कि ये 2 शेड्यूल रहेंगे। वहीं क्षेत्र के प्रगतिशील किसान हनुमान गोदारा ने बताया कि ये सरकार का बहुत ही अच्छा निर्णय है। उन्होंने बताया कि वे सरकार का आभार जताते हैं कि उन्होंने किसानों के हित में बिजली की सप्लाई में समय की बढ़ोतरी की है। उन्होंने बताया कि अब किसान रात के बजाय दिन में भी अपने खेतों में सिंचाई कर सकेंगे, जिससे उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। एक अन्य किसान साधु सिंह ने बताया कि ये फैसला किसान हित में लिया गया है, अब वे सर्दी के मौसम में आराम से अपने खेतों में सिंचाई कर पाएंगे। टाइम जो दिन में किया है उसके लिए हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज कल रात को बहुत ठंड होती है जी, और ठंड में पानी लगाना बहुत मुश्किल है जी। इस कड़ाके की ठंड में जमींदार को खेत में पानी लगाने की बहुत दुविधा थी, टाइम दिन का किया गया तो बहुत बढ़िया ही अहम कदम लिया है जो सर्दी में, तो हम इस पर चौधरी रणजीत सिंह बिजली मंत्री और सरकार का बहुत ही धन्यवाद करते हैं। हरियाणा सरकार का धन्यवाद जी, लाइट का बदलाव हो गया जी, बहुत वधिया जी, दिने लाइट आ रही है जी, रात नूं बहुत दिक्कत सी जी ठंड च जी, फायदा बहुत हो गया जी, फसल नूं भी लाउणा भी सौखा है जी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हिसार एयरपोर्ट से इसी साल अप्रैल में देश के विभिन्न शहरों के लिए हवाई सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। इस संबंध में उन्होंने एलिनेस एयर कंपनी के अधिकारियों के साथ विस्तार से बातचीत की और जल्द ही इस कंपनी के साथ MOUs किए जाने की बात कही। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ये एयर कनेक्टिविटी स्टेट VGF के कंसेप्ट पर होगा, ताकि यात्रियों को ज़्यादा किराया ना देना पड़े। उन्होंने बताया कि फिलहाल हिसार एयरपोर्ट से चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू, अहमदाबाद, जयपुर और कुल्लू के रेट पर 70 सीटर जहाज चलाने का विचार है। शुरू होने के 90 दिन बाद रूट्स की पुनः समीक्षा की जाएगी और यात्रियों की डिमांड के अनुसार लखनऊ, वाराणसी, अम्बाला समेत अन्य शहरों के लिए भी हिसार से हवाई जहाज चलाया जाएगा। डिप्टी CM ने बताया कि हिसार से एयर कनेक्टिविटी होने के बाद वहां पर डिफेंस व अन्य उद्योग धंधे बढ़ जाएंगे, जो कि प्रदेश में राजस्व का बहुत बड़ा स्रोत बन जाएगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में आबकारी विभाग की शराब की ट्रैक एंड ट्रेस प्रक्रिया की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शराब की फैक्ट्री से लेकर गोदाम और दुकान तक इस प्रकार से स्कैनिंग की जानी चाहिए कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश ना रहे। उन्होंने डिस्टिलरीज और शराब ठेकेदारों पर लगाए गए जुर्माने की बकाया राशि को भी जल्द से जल्द वसूलने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आबकारी विभाग में राजस्व की चोरी कतई सहन नहीं की जाएगी। डिस्टिलरीज में शराब बनाने से लेकर गाड़ी में लोड होने और गोदाम तक पहुंचाने में प्रत्येक पॉइंट पर बार कोड की स्कैनिंग होनी चाहिए। डिप्टी CM ने डिस्टिलरीज में लो मीटर लगाने के बारे में आज फिर समीक्षा की और कहा कि इसमें किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने नियमों की अवहेलना करने वाले कुछ ठेकेदारों पर लगाई गई पेनल्टीज के मामले में पूछताछ करते हुए कहा कि बकाया एरियर को जल्द से जल्द रिकवर किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ट्रैक एंड ट्रेस समेत अन्य नई तकनीकों के बारे जिलों के DTC से भी फीडबैक लें और सकारात्मक फीडबैक मिलने पर पूरे स्टेट में लागू किया जा सकता है। हरियाणा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पंचकूला के लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह से 7 जिलों के 40 अग्निशमन बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री को अग्निशमन व आपातकाल सर्विस के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर यशपाल सिंह ने विस्तार से विभाग के कार्यों और समस्याओं की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री ने करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, अम्बाला, यमुनानगर, जींद और हेडक्वार्टर से आए हुए फायर अधिकारियों से अग्निशमन व आपातकाल की स्थिति से निपटने और सिस्टम को और बेहतर करने के लिए चर्चा भी की और उनसे सुझाव भी लिए। उन्होंने अग्निशमन अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों को जल्द ही पूरा करने का आश्वासन दिया।
डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्र में गंभीरता से कार्य करने और अग्निशमन विभाग के मुताबिक फायर सिस्टम को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को जिलों में शिक्षण संस्था, विश्वविद्यालय, कॉलेज, पेट्रोल, उद्योगों, मैरिज बैंक्वेट हॉल का निरीक्षण करने और फायर सिस्टम को चेक करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलों में बड़ी व छोटी औद्योगिक इकाइयों के भी फायर सिस्टम चेक करने के निर्देश दिए और जिन औद्योगिक इकाइयों के फायर सिस्टम खराब हैं उन्हें अग्निशमन अधिकारियों को निरीक्षण कर ठीक करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर 30 दिन के नोटिस के बावजूद भी कोई संस्थान अपने फायर सिस्टम को अग्निशमन विभाग के मुताबिक दुरुस्त ना करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। रिपोर्ट्स आती है वो बड़े नैरो पैसेज के जो एरियाज हैं उनमें रिपोर्ट होती है जहां पर बड़े हमारे फायर इक्विपमेंट्स नहीं पहुँच पाते। जो हीरो ने सहयोग किया है उससे अब लगभग अर्बनाइज एरियाज में छोटी छोटी गलियों के अंदर भी इमरजेंसी सर्विसेज को बेहतर तरीके से पहुंचाने में फायर डिपार्टमेंट और एफिशिएंसी दिखाने का काम करेगा। जितनी हमारी गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको सबको ऑलरेडी नोटिस इशू हो चुके हैं कि टाइमली बेसिक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और फिर उसके साथ साथ प्लान फॉर फ्यूचर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स वो डिपार्टमेंट को पुटअप करे। और अब धीरे धीरे जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी नोटिसेज इशू कर दिए गए हैं, जितने हमारे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी हम नोटिस इशू कर रहे हैं। उन्होंने सभी ज़िलों के लिए 25 लाल बोलेरो खरीदने के भी निर्देश दिए ताकि समय पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंचकर किसी अनहोनी घटना को होने से रोक सकें। हरियाणा में प्रवर्तन निदेशालय की लगातार जारी कार्रवाई के बीच पंचकूला में भी ईडी ने आज रेड की है। ईडी ने एक माइनिंग कंपनी के ऑफिस पर रेड की है। टीम ने ऑफिस से दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कंपनी के मालिक और उनके पार्टनर के दो ठिकानों पर दबिश दी। टीम कंपनी मालिक के सेक्टर 9 स्थित ऑफिस में भी गई। हरियाणा के 22 जिलों में करीब 28 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स, सुपरवाइजर, CDPO को मोबाइल फोन वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें 25,962 आंगनवाड़ी वर्कर, 1,016 सुपरवाइजर और 148 CDPO शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कैथल के अतिरिक्त अनाज मंडी में आयोजित एक कार्यक्रम में आंगनवाड़ी वर्कर्स को मोबाइल फोन वितरित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कैथल में 1,270 आंगनवाड़ी वर्कर्स, 49 सुपरवाइजर तथा 7 महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी को मोबाइल फोन मुहैया करवाए गए हैं। इस व्यवस्था से इन सभी को आंगनवाड़ी केंद्र के कार्यों को और बेहतर तरीके से तेज गति से करने में मदद मिलेगी और समय की भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन मिलने से पोषण अभियान के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को पोषण ट्रैक के माध्यम से आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। सभी लाभार्थियों को पोषण ट्रैक पर ऐप के माध्यम से आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। वंशवर्धन पोर्टल के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रतिदिन खोलने का समय, बच्चों की उपस्थिति, बच्चों का वजन व लंबाई तथा माप को लेकर सुगमता से पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश में पहले से ही 4,000 प्ले स्कूल खोले जा चुके हैं। भविष्य में 4,000 और प्ले स्कूल खोले जाएंगे। जिले में 240 प्ले स्कूल सुचारू रूप से चल रहे हैं। इस अवसर पर विभाग की ज्वाइंट डायरेक्टर राजबाला कटारिया, सुपरवाइजर पूनम और अतिरिक्त DPO गुरजीत कौर ने कहा कि स्मार्ट मोबाइल फोन मिलने से उनका काम बहुत आसान हो जाएगा और समय पर विभाग को रिपोर्ट भेजने और बच्चों के परिजनों को सभी सूचनाएं भेजने में बहुत सुविधा मिलेगी। पोक्सो एक्ट यानी कि छोटी बच्चियों के साथ, छोटे बच्चों के साथ जो इस तरह की घटना खुदा ना करे होनी चाहिए लेकिन फिर भी घट जाती हैं, इसके बारे में वीडियो के माध्यम से और जो हमारी
डीसीपी यूनिट है उनके माध्यम से प्रयास किया है। मैडम के द्वारा स्मार्टफोन दिए गए हैं, बहुत अच्छा काम है मैडम का, क्योंकि विभाग के द्वारा जो स्मार्टफोन दिए गए हैं आंगनवाड़ी वर्करों को, इससे बहुत सुविधा होगी, क्योंकि वो घर पर बैठकर अपना जो काम है 11 के 11 रजिस्टर उसके अंदर मेंटेन कर पाएंगी। के बिना हमारा कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि अब सारे काम जो हैं ऑनलाइन हो चुके हैं और हमारे जो 11 रजिस्टर थे वर्कर्स के पास, अब उनका काम बंद हो जाएगा। सारा काम जो विभाग का सारा काम है, जैसे हमारे बच्चों का वजन है, उनकी लंबाई करनी है, उनका SNP डिस्ट्रीब्यूशन है, सारा ही काम जो पहले 11 रजिस्टरों में होता था वो सब अब फोन पे, जो स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं उनके ऊपर होगा। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री JP दलाल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ देने की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जरूरतमंद तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई गई है। कृषि मंत्री कल भिवानी जिला के गांव ढाणी भाकरा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संदेश सुना। कृषि मंत्री JP दलाल ने कार्यक्रम में आयुष्मान भारत योजना के कार्ड वितरित किए और सरपंचों को जल मिशन योजना के तहत हर घर में नल से जल पहुंचाने पर प्रमाण पत्र भी दिए। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री JP दलाल ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को गांव ढाणी भाकरा में पूरा नहरी पानी मुहैया करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में मिलना जरूरी है और इसके लिए सरकार निरंतर योजनाएं लागू कर रही है। हमारे वहाँ लोगों ने भाग लिया और आज इस चैनाबड़दूक धाम के अंदर मंदिर के अंदर जो साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया, ये साल जो है हमारे लिए एक अनोखा साल है, ऐसा साल है जिसका सदियों से इंतजार था। अच्छी नस्ल की गाय हैं, अच्छी नस्ल की भैंस हैं, हमारे सांड हैं, झोटे हैं, बकरी हैं या ऊँट हैं या घोड़े हैं, उस सारे साल किसान भाई इस मेले की इंतजार करते हैं और जो जो नए तकनीक हमने लेके आए हैं पशुपालन के अंदर उनका प्रदर्शन भी होगा, मनोरंजन का काम भी होगा, मेला जो है जिसमें आनंद आएगा ये हमारा इस बार महेंद्रगढ़ में होगा। कार्यक्रम में पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों को पशुओं में आने वाली बीमारियों से बचाव व उपचार तथा पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी दी गई। कृषि विभाग द्वारा किसानों को दीदी ड्रोन के प्रयोग और इसके लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं लाभार्थियों ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से उन्हें विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी नीतियों का पता चला है। सरकार ने बहुत बढ़िया काम करा है, हमें कितने चक्कर काटने पड़े को नहीं, और घर बैठे अपने पिल्सन बनगी और वो अपने अनाज मिला है, सारे काम सही हो गए और आगे भी मोदी के वोट देंगे और खट्टर ने और मोदी ने बहुत बढ़िया योजना रखी, घर बैठे पेंशन बनने लगी है, घर बैठे पेंशन बनेगी और जो सरकार ने बहुत बढ़िया काम कर दिया और आगे भी सरकार ने वोट जमाए और पीले कार्ड बनाए दिए, सारे काम बढ़िया करे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पेंशन जी साढ़े 2700 मिल रही है जी, 2750 मिला है, दाने दूने मिल जाए हैं, जो मिल जाए राशन कार्ड पीड़ा पीड़ा मिल जाए जी। मकान आवास योजना लाभ मिला था, 2 किस्त मिली हैं, बाकी कुछ अधूरी रह रही हैं वो भी मिल जाएंगी शायद। ये बनाया जी एक कमरा रसोई, बढ़िया योजना है जी, अगर इसको पूरी करी जा तो आशा करते हैं कि पूरी कर देंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पलवल नगर परिषद के वार्ड नंबर 19 में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पलवल के विधायक दीपक मंगला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विधायक दीपक मंगला ने कार्यक्रम स्थल पर लगी स्टॉलों का अवलोकन किया और लोगों को विकसित भारत का संकल्प भी दिलाया। इस अवसर पर दीपक मंगला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें आमजन की भागीदारी भी जरूरी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ये रथ यात्रा गांव-गांव से होकर अब शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में जा रही है। इस रथ यात्रा के दौरान लोगों को देश को विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग देने की शपथ दिलाई जा रही है। केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की कल्याणकारी जो योजना है उनका लाभ आम जनमानस तक पहुँचे और जो लाभार्थी हैं उसका लाभ ले पाए। अगर उनको लाभ लेने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कोई परेशानी आ रही है, जैसे
कि परिवार पहचान पत्र है उसमें कहीं कोई दिक्कत है। उज्ज्वला योजना के तहत जो BPL परिवार कार्ड धारक है उनको अगर गैस का सिलेंडर सरकार की तरफ से चूल्हा मिला है, नहीं मिला है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, उनको गैस का चूल्हा मिल जाए। ऐसे ही शहर के अंदर कहीं किसी की कोई बिजली की समस्या है, ऐसे ही हमारी किसी का आयुष्मान कार्ड बना है नहीं बना है, BPL कार्ड बना है नहीं बना है, चिरायु कार्ड बना है नहीं बना है, ऐसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं कि अपने स्वास्थ्य की जांच भी कराएं। डॉक्टरों की टीम यहाँ स्वास्थ्य की भी जांच करे, आयुष विभाग यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा भी दे रहा है और हमें क्या पौष्टिक आहार लेना चाहिए, क्या आहार शरीर के लिए नुकसान करता है और योग के प्रति भी जागरूक करने का काम हो रहा है। आप वहीं लाभार्थी महिला सुशीला और रानी का कहना है कि उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री की ये एक अच्छी योजना है जिसका लाभ गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाएं उठा रही हैं। फ्री मिला जी, फ्री की गोली, फ्री चूल्हे पर बनाते थे जी, नन मिलता था जी 200 रुपये मन है 150 रुपये मन है ऊपर उन्हें लाते थे, उन जी ने दिया जी धन्यवाद। शादी को भी 19 साल हो गए हमारी को, पर लेकिन हमारे पास राशन कार्ड तो था ही नहीं, अब राशन कार्ड बने थे जब हमने कनेक्शन लिया। सिलेंडर है, चूल्हा है, रेगुलेटर है और नल, धन्यवाद करेंगे जी उनके लिए बहुत बहुत। हिसार नगर निगम का 5 वर्ष का कार्यकाल कल शाम समाप्त हो गया। इस अवसर पर अपना कार्यकाल पूरा करने पर महापौर गौतम सरदाना व सभी पार्षदों को बधाई देने के लिए शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता भी पहुंचे। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि महापौर और सभी पार्षदों ने अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न किया है जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। निगम के आगामी चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि इस पर फैसला चुनाव आयोग लेगा, परंतु हम हर तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव तक शहर के विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी, उसके लिए सभी बंदोबस्त कर लिए गए हैं। ये बहुत बधाई की बात है कि कोई भी व्यक्ति जब अपना कार्यकाल पूरा करता है और पूरा करने के बाद वो जाता है तो ये एक सफलता मानी जाती है। जैसे कोई आदमी रिटायर भी होता है और वो जब रिटायरमेंट पे आता है तो एक किस्म से सफल पारी खेलने की बात होती है, तो ऐसे ही सभी पार्षद इन्होंने सफलतापूर्वक अपना समय पूरा किया और बड़े बड़े आयाम जो शहर के थे जो पिछले समय में नहीं हुए थे इन्होंने काफ़ी हद तक उसको पूरा करने का प्रयास किया है। मैं इन सबको बधाई देता हूँ और उनके जीवन मंगल की मंगल कामना भी करता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। रही बात चुनाव की, तो ये जो चुनाव का विषय है ये चुनाव आयोग का विषय है, चुनाव आयोग जब भी चाहे करवाए। लेकिन वहीं हिसार नगर निगम के कार्यकाल के समापन अवसर पर महापौर गौतम सरदाना ने कहा कि शहर में बिना किसी भेदभाव के एक समान कार्य किए गए। गौतम सरदाना ने कहा कि स्वच्छता को लेकर सफाई महाअभियान चलाया गया, इसके अलावा सभी वार्डों में डोर टू डोर कचरा लेने के लिए संपूर्ण व्यवस्था की गई। आज आप कोई भी आप रात को जब दृश्य देखते हैं शहर का बदला हुआ हिसार आपको नजर आता होगा। आज हिसार में किसी भी आप रोड पे मुख्य रोड पे चले जाओ तो वो रोड रात को भी सुंदर दिखाई देता है। इस ओर हम बड़े हैं और काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी अधूरे पड़े हैं, जैसे हमारा जो मुख्य डेयरी का प्रोजेक्ट था इस ओर हमने काम तो किया, भूमि हमें मिल गई, चारद्वारी हमने कर दी, लेकिन इस ओर जो है पूर्ण शिफ्टिंग का काम जो है अभी अधूरा है, वो हम पूरा करेंगे और इस शहर में ही रहते हैं इसमें हम पूरा सहयोग, आगे भी कोई चुनकर जनता जिसे भेजेगी हम उसका भी पूरा सहयोग। अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई और दवाइयां दी गईं। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को गर्भ अवस्था के दौरान जिन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है उस पर विशेष चर्चा की गई, साथ ही महिलाओं को गुड़ और चना भी वितरित किए गए। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रचना बंसल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रत्येक महीने की 9 तारीख को इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को भोजन में किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, उन्हें समय समय पर विभिन्न टेस्ट करवाते रहना चाहिए आदि के बारे में उन्हें जानकारी दी गई है।
गर्भवती महिलाओं के लिए, ताकि हम एक दिन उस गर्भवती महिला के नाम कर सके, ताकि कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी ना उसको रहनी सहना पड़े। और हम हर एक गर्भवती महिला को एक खास समझें, उस दिन उसका खास ध्यान रखा जाए। तो अब ये पहले 9 तारीख को अकेले करते थे हम, अब 10 को और 23 को करने लगे हैं। उसको हम एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, खुराक के बारे में बताया है, इनको क्या खाना चाहिए इसके बारे में बताया है, और इसको ये बताया है कि हम जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, जैसे अनीमिया, जैसे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, ब्लड प्रेशर, क्लैम्पसिया, हर चीज़ के बारे में बताते हैं, ताकि वो पहले से सचेत रहें और इन बीमारियों का सामना ना करना पड़े। अस्पताल में आई महिलाओं ने बताया कि यहाँ अनेक जानकारियाँ हासिल हुई हैं। महिलाओं ने बताया कि सरकार द्वारा आज उन्हें गुड़ चना भी दिया गया है। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि गर्भ अवस्था के दौरान अपने खाने का किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए। सुविधा मिल रही है मोदी सरकार की तरफ से, वो गुड़ चने बच्चे को तंदुरुस्त रखने के लिए, यहाँ पे हमें फ्री में इलाज हो रहा है, हमें सब सुविधा मिल रही है। खाने पीने के बारे में बताया जा रहा है बच्चे को तंदुरुस्त रखने के लिए, माँ को तंदुरुस्त रखने के लिए हरी सब्जी फल फ्रूट वगैरह खाना चाहिए। आज डॉक्टर साहब ने हमें बताया जो अनजान गर्भ हो जाता है उसके लिए बताया है कि वो कैसे रोका जा सकता है, और हमें हरी सब्जियाँ खानी चाहिए, अगर प्रेगनेंसी हो तो प्रोटीन से भरपूर खाना खाना चाहिए, हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ जब हम हॉस्पिटल में आते हैं तो यहाँ हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, डॉक्टर हमें अच्छे से सलाह देते हैं, समझाते हैं। डॉक्टर ने बताया है भी हमें अच्छा प्रोटीन खाना खाना चाहिए, और जो बच्चे को और माँ को सुरक्षित रखे, ये सरकार की योजना है। हाँ जी, हम अच्छा मानते हैं इस योजना को, यहाँ पे हमारे टेस्ट वगैरह सब फ्री हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र में डेयरी फार्मिंग एसोसिएशन की ओर से थीम पार्क में आयोजित 3 दिवसीय पशु मेले का आयोजन किया गया। इस पशु मेले व प्रदर्शनी में देश भर के मारवाड़ी नस्ल के घोड़े, एचएफ गाय व नीली रवि नस्ल की भैंसें पहुंची। इन पशुओं को प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी में चयनित कर पुरस्कृत किया गया। समापन समारोह में शामिल हुए प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी राज्य मंत्री संदीप सिंह शामिल ने कहा कि कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार और संस्थाएं किसान मेले व प्रदर्शनियों का आयोजन करती है, जिनका उद्देश्य किसानों एवं पशुपालकों को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने डेयरी एवं पशुपालन विभाग के जरिए ऐसी कई योजनाएं चलाई हैं जिससे पशुपालक लगातार उन्नति कर रहे हैं। जो फार्मर है उनको कैसे आगे बढ़ने की सारी टेक्निक मशीन्स, जो चाहे वो इंपोर्ट होती हैं चाहे हिंदुस्तान में बनती हैं, और फीड से लेकर हर चीज़ की यहाँ पर टेक्निक और बताया जाता है, जिससे कि किसान जो है अपनी खेती और अपना जो यंत्र है उसको कैसे आगे उससे बढ़कर अपने खेती को और उसके जो मतलब फसल प्राप्त होती है उसको कैसे बढ़ाया जाए, वो यहाँ से पता चलती है। और ये ऐसे एक्सपो जो है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ एग्री और एग्रीकल्चर का जो लैंड है वहाँ पर हमें लगाने चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे जो हरियाणा में है वो किसानों को और फसलों को और यंत्रों को बहुत बढ़ावा दे रही है। तो मैं हमारे खैरा साहब हैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरे ग्रुप को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलें, जिससे कि ऐसे एक्सपो को और आगे बढ़ाया जाए। जींद के नरवाणा क्षेत्र के दनोदा गांव में बी नैन खाप के चबूतरे पर भारत के सर्व खाप अध्यक्ष एवं सर्व जातीय बी नैन खाप के प्रधान चौधरी नफे सिंह नैन की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें देशभर की खापों से किसान संगठन, राजनीतिक दलों के नेताओं ने शिरकत की। पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने मीडिया से बातचीत में कहा कि स्वर्गीय चौधरी नफे सिंह एक विराट व्यक्तित्व के स्वामी थे, उनका जीवन समाज के लिए समर्पित एक आदर्श जीवन था। नफे सिंह ने हमारे पूर्वजों और 36 बिरादरी के भाईचारे की परंपरा को बड़ी जिम्मेवारी से निर्वाह किया। मुख्यमंत्री के ओएसडी जेएस नैन ने कहा कि स्वर्गीय नफे सिंह ने अपना पूरा जीवन समाज कल्याण, समाज के उत्थान के कार्यों में समर्पित किया। उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या सहित अनेक सामाजिक आंदोलनों की अगुवाई की। युवा पीढ़ी उनके आदर्शों का पालन करते हुए उनके दिखाए हुए मार्ग पर निरंतर आगे बढ़े, यही उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश जो यहाँ दिए गए हैं, वास्तव में उनका जिस प्रकार का जीवन था कि वह सर्व समाज को समर्पित थे, बड़े विराट व्यक्तित्व थे, और वह 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलने का काम करते थे,
कि सभी खापों ने एक प्रकार से संकल्प कर रहा है कि ये कर रहे हैं कि वो नशे के विरोध में, भ्रूण हत्या के विरोध में, महिलाओं के सम्मान में और सर्व जातीय भाईचारे को बनाने का काम करेंगे। समाज कल्याण और समाज के उत्थान के कार्यों में समर्पित किया है। उन्होंने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में कार्य किया, हिंदू विवाह अधिनियम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या, दहेज का उन्मूलन आदि अनेकों सामाजिक आंदोलनों की अगुवाई की। उन्होंने हमेशा बच्चों और युवाओं के अच्छे संस्कार के लिए राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित किया। वहीं सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि नफे सिंह का जीवन समाज सेवा को समर्पित रहा। समय तक दो दशकों तक उसकी अगुवाई करना अपने बहुत बड़ी उपलब्धि है और खास तौर पे बहुत सी ऐसी चीजें आई जो बड़ी समाज के लिए मुश्किल की घड़ी थी, उसमें उन्होंने बड़ी सार्थक भूमिका निभाई और उसी का परिणाम है कि आज आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरे देश से विभिन्न विभिन्न इलाकों से जो खाप हैं, उनके अध्यक्ष हैं या उनके प्रतिनिधि हैं, वो आज शोक सभा में आए हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।